गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रकाश रैन साहू, अभी मैं हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, शिव सागर आया हूँ। और अभी क्योंकि मेरे बाइक का नंबर प्लेट अभी 3 महीने पहले ही आ गया था, लेकिन अभी मैं लगवाने के लिए अभी मैं टाइम निकाल पाया हूँ। और अभी हम दोस्त अभी मेरे साथ में नवेंदु कुमार छेत्री, ये हम लोग के यूनिवर्सिटी का ही है। और अपने बारे में कुछ बताइए। मैं क्या बताऊँ, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो अभी हम लोग एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है भक्ति के, तो उसके हम लोग कज़न के शादी में आए हुए हैं। मतलब अभी जाऊंगा, अभी मैं आया मतलब गया नहीं हूँ अभी तक, अभी डायरेक्ट मैं जोरहाट से यहाँ शिव सागर के शोरूम में आ गया रॉयल एनफील्ड के, यहाँ से नंबर प्लेट लगा करके फिर हम लोग आज रिसेप्शन है वहाँ जाएंगे, थोड़ा रेडी वेडी भी हो जाएंगे वहाँ पे। ये बाइक रखी हुई है दोस्तों, अभी मैं चल के अपना बाइक दिखाता हूँ आपको। ये है मेरी यहाँ पे रॉयल एनफील्ड बुलेट BS6। अभी थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ही गंदी हुई हुई है, क्योंकि अभी हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा है। देखिए नंबर प्लेट नहीं है अभी, ठीक है, और अभी हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसलिए मैं अभी बाइक वॉश नहीं कर पा रहा, ठीक है। एक तरफ ये देखिए क्या चमचमाती हुई, और एक तरफ मेरी बेचारी धूल खाती हुई। ये यहाँ पर हंटर देखिए, यहाँ पर इतनी सारी अभी GT पड़ी हुई है, GT 650, ये भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को वाला भाई। तो नवेंदु कैसा लग रहा है आज के, अब क्या क्या प्लान है? भक्तिदा का घर में शादी में जाएंगे, वहाँ पे खाएंगे, नाचेंगे, पिएंगे और आएंगे फिर हॉस्टल में। क्या पिएंगे? पानी और जूस वगैरह। जूस पियेंगे, जूस बहुत दिन से नहीं पिए हैं, लेकिन हॉस्टल में फ्रूट मिलता है नहीं, है ना। अभी मैं कुछ दिन से मैंगो वगैरह लेकर के आ रहा था, थोड़ा खाया वगैरह, और तुमको भी देता है, लेकिन तुम ग्राउंड फ्लोर में रहता है इतना दूर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा तो दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर मेन जूस पियेंगे, फ्रूट जूस, बहुत एक्साइटेड है फ्रूट जूस के लिए। नवेंदु भी बहुत एक्साइटेड है फ्रूट जूस के लिए। डबल चलने वाले दोस्तों, इस तरीके से नंबर प्लेट लगता है बाइक में। तो दोस्तों अभी नंबर प्लेट लग गया बाइक में, और ये जो नंबर प्लेट के ऊपर एक कवर लगवाया हूँ मैं, तो थोड़ी सी अपनी बाइक अब साफ कर लेते हैं। तो बस मैं आपको सोचा इन्फॉर्मेशन बता दूँ, 250 रुपीज़ दिया एक्स्ट्रा, और बाकी एक्स्ट्रा और कोई चार्जेस नहीं लिया, बिल नहीं दिया। वो लोग ऐसा बोले अंदर में कि 250 रुपीज़ का मतलब ये कवर है, ये कंपनी तरफ से प्रोवाइड नहीं होता, ये लोग खुद से बाहर से खरीद के कस्टमर्स के लिए अवेलेबल करा के रखते हैं। तो अब पता नहीं इसमें कितना सच है कितना झूठ है, मतलब इसमें तो हम ऐसा क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर आपसे भी नंबर प्लेट में यहाँ पर ये मैं कवर लगवाया हूँ, एक ये ब्लैक कलर का, ये कवर लगाने से थोड़ा सा अच्छा दिखता है, थोड़ा सा नंबर प्लेट आपका प्रोटेक्टेड भी रहता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो कवर लगाने का, ये और ये सामने वाले नंबर प्लेट में ये जो कवर लगा है इसका, ये दोनों मिला करके यहाँ पे लिया 250। वारंटी के अंदर में क्या कवर होगा? तो इन लोगों ने बोला कि वारंटी के अंदर में सर आपका इंजन कवर होता है, और इंजन से रिलेटेड जो भी पार्ट्स है वो सब कवर होते हैं। तो ये सब जो लाइट्स हो गया, हेडलाइट्स हो गया, ये सब वारंटी के अंदर में कवर नहीं होता, लेकिन पता नहीं यार, वारंटी के अंदर कवर तो होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं अनसेटिस्फाइड हूँ, लेकिन अब जो LED यहाँ पर है वो भी यहाँ पे शोरूम में बोला कि आपको वर्कशॉप में लगा के देगा, ठीक है। ये बोला कि 20-30 रुपीज़ के अंदर आएगा, बोला कि वारंटी के अंदर कवर नहीं होगा ये। तो मैं पूछा फिर बाइक के किक में से ये पैडल, ये रबर गायब है, तो ये बहुत पहले गिर गया था, तो मैं सोचा यहाँ पे लग जाएगा। तो इन लोगों ने बोला कि ये वर्कशॉप में मिलेगा आपको, 50-60 रुपीज़ का मिल जाएगा रबर यहाँ पे किक में। और एक चीज़ और डैमेज है थोड़ा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हेडलाइट है
हेडलाइट के ऊपर में जो पायलट लाइट है, तो भाई पायलट लाइट में मेरा मतलब एक साइड का जो पायलट लाइट है वो ख़राब हो गया, अभी नहीं दिख रहा है धूप में, ठीक है। चलिए चलते हैं, रॉयल एनफील्ड है ना। तो अब चलते हैं, अभी हम लोग शिव सागर इसलिए आए थे क्योंकि भक्ति के कजन का शादी का रिसेप्शन है आज, तो हम लोग मेन उसी कारण से आए हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं अपना ये वाला काम भी करा लिया, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत दिनों से रुका हुआ था, इतना लेट नहीं करना चाहिए नंबर प्लेट लगाने के लिए, लेकिन अब मैं क्या ही करूँ, इतना दूर है, आना जाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, और एक काम करता हूँ, ये ब्लॉग को मैं इतने रहने देता हूँ, और ये जो भक्ति के जो कज़न का शादी का जो रिसेप्शन है उसका मैं व्लॉग बनाऊंगा। हम लोग 5-6 दोस्त और हैं आए, अभी AU से आए हुए हैं, तो उसका मैं व्लॉग अलग बनाऊंगा, ठीक है। तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये व्लॉग के, ठीक है, आप जा कर के देख लीजिएगा अगर आपको मन होगा तो, बहुत मज़ा आएगा उसमें भी, ठीक है। तो चलिए, और एक बात और कि आपको रॉयल एनफील्ड, मतलब मेरे पास अभी बुलेट है तो मैं कुछ वीडियोज़ बना के डालता रहूँगा, तो अगर आपको ऐसे कुछ छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगे जो कि मैं रोज़ अपडेट करता रहूँगा डेली बेसिस पे, तो मेरे चैनल को इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे